अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कॉपीराइट एक ऐसा इशू है जो कि वीडियो पर भी आ सकता है और देन जो है उस पर म्यूज़िक पे भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह फ्री म्यूज़िक यानी कॉपीराइट से बिल्कुल फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है अपनी वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, वो भी यूट्यूब से हासिल करके। दोस्तों, वेरी इजी है सिंपली। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए चलते हैं वीडियो की जानकारी। दोस्तों, आपने क्या करना है, सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यूट्यूब आपने गूगल में सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद अगर आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो दोस्तों सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, आपने डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना है। और अगर कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये मैं क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप मोड पर ही क्लिक करूँगा। जैसे मैं ये डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये कंप्यूटर की तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ क्या करूँगा, जूम इन करूँगा और जूम इन करने के बाद अपने चैनल के आइकन पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यूअर चैनल पर क्लिक कर दूँगा। यूअर चैनल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, कस्टमाइज चैनल को नहीं छेड़ना और YT स्टूडियो यानी YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर जो है वो क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का ये इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन कर देगा। जैसे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा तो आपने जूम इन करना, ये लेफ्ट साइड की जानी पर आपको ये एक MP3 जैसा यानी म्यूजिक का आइकन नजर आएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम जो है वो ओपनिंग में लेगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से म्यूजिक जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये दोस्तों गेमिंग म्यूजिक है। आप यहाँ पर अपना जो है वो एरिया जो है वो यानी किस पर आप बनाना चाहते हैं, किस तरह का म्यूजिक आप चाहते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। आपने अगर छेड़ना है यानी आपने जिस तरह का म्यूज़िक डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली हम एक म्यूज़िक को प्ले करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये म्यूज़िक जो है वो प्ले हो रहा है। एक और म्यूजिक भी हम चला के देख लेते हैं। एक और हम चलाते हैं क्योंकि इनकी साउंड ही नहीं है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये जो है वो चल रहा है म्यूजिक। आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है। सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टॉप करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साथ ही डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपली इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे डाउनलोड का पूछेगा कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये अगेन का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सिंपली अपने डाउनलोड्स में चले जाना है। जैसे ही डाउनलोड पे जाएंगे तो दोस्तों ये हो रहा है और पहले भी मेरे पास मौजूद है तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे मैंने काट दिया है। उसके बाद मैं आपको ये वीडियो एडिटिंग भी इसकी करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको वीडियो में एडिट कर सकते हैं। कि मैं काइंड मास्टर में आ चुका हूँ और ये मैंने एक तस्वीर जो है वो यहाँ से अपनी गैलरी से ले ली। तो सिंपली यहाँ पे मैं ऑडियो पे क्लिक करूँगा। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ये देखे दोस्तों हमारे यहाँ पे ये म्यूज़िक मौजूद है, इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर दोबारा से जो है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं प्लस के आइकन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा इसके बाद टिक पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं टिक पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये जितनी तस्वीर है उतना म्यूज़िक आ चुका है और इसको अब मैं चला कर दिखा देता हूँ। दोस्तों एक और बात, अगर आप यहाँ से म्यूज़िक का साउंड जो है वो बढ़ाना चाहते हैं काइंड मास्टर से, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से म्यूज़िक बढ़ जाएगा। दोस्तों चलाते हैं हम। दोस्तों ये देखें ये जो है वो साउंड चल रहा है। इसी तरह आप अपने जो है वो यूट्यूब चैनल के लिए या किसी और वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी काविश जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी काविश आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।